सांभर लेक में पंचायत समिति सम्राट पृथ्वीराज चौहान सभागार सांभर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा एक विशाल कैंप का आयोजन किया गया। पंचायत समिति प्रधान सहदेव गुजर ने पत्रकारों को बताया कि दूरदराज गांव से जनता ने कैंपों पर पंजीकृत किया। जयपुर से डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर उपस्थित हुई। शिक्षा विभाग से दिव्यांगजनों की जाँच व परामर्श के लिए टीम का चयन भी हुआ। वहीं कुल आवेदन दिव्यांगजन 179, कुल आवेदक स्वीकृत 123, रोडवेज पास 72 व 26 आवेदक को जयपुर के लिए बड़े अधिकारी से बात करने के लिए बताया गया। UDID 77 उपस्थित कैंपों पर मौजूद पंचायत समिति सांभर प्रधान सहदेव गुजर, विकास अधिकारी जूथाराम, BCMHO राज चौधरी व सामाजिक न्याय व अधिकारी मौजूद रहे। कितनी परसेंट अस्थी का आपने काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर सभी प्रकार के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, जो कि पैरों से विकलांग है, हाथ से विकलांग है, इसके अलावा अगर कमर में भी कोई रोग है, चोटग्रस्त है, तो उसकी वजह से जो विकलांगता है, उन सबके सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर राकेश गुरानी। कहाँ से है? जयपुर से। अच्छा, ये लोग सर्टिफिकेट कहाँ से? इनको अभी जैसे जिसका अभी रजिस्ट्रेशन हो गया है ऑनलाइन, जिन्होंने ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। उनको हम आज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा BCMO साहब के द्वारा, और जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो पहले उनको ई मित्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद हमारे यहाँ पर आएगा, हम उसका सत्यापन करके और उसका सर्टिफिकेट के लिए BCMO साहब के पास में भिजवा देंगे, और वहाँ से सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। इन लोगों का कोई दिक्कत तो नहीं आएगा वहाँ जयपुर से लेने में? नहीं, वहाँ भी चक्कर जयपुर में नहीं, ये जो हम यहाँ से जिनको जारी कर रहे हैं उनको यहाँ से जारी हो जाएगा, उनको जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिनमें कुछ बोर्ड से बनता है, जिनमें या जिसमें मसल्स की कमजोरी की वजह से जो बताते हैं भाई मसल्स कमजोर हो गई है, तो उसको जाँच नहीं हो पाती, तो उनको जरूर जयपुर भिजवाया जा रहा है। बाकी जिसका जो दिख रहा है सामने और जिनको आसानी से बन सकता है, उनका यहीं पर बन जाएगा, उसके कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर।